जंगल के शिकारी जानवरों में जो सबसे कम दिखाई देता है वो है जंगली कुत्ता। भारत में हम इसे ढोले कहते हैं। इन कुत्तों का स्वभाव पूरा जंगली है। बाघ और तेंदुए की तरह इनका भी करोड़ों वर्षों में विकास हुआ है। ये दास्तान है केनाई की, एक जंगली मादा कुत्ता जिसने हिम्मत दिखाई एक अलग राह। केनाई का झुंड ऐसे इलाके में है जहां शिकार के लिए जानवरों की संख्या कम है। इसका फायदा ये है कि ये ज्यादा सुरक्षित इलाका है क्योंकि दूसरे शिकारी जानवर कम हैं। लेकिन केनाई के बढ़ते परिवार के साथ उनके खाने की मांग भी बढ़ रही है। जंगल के कुछ दूसरे इलाकों में शायद ये कमी पूरी हो जाए, लेकिन इसका मतलब और ज्यादा खतरा, बहुत बड़ी दुविधा है। आज बॉस के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आ रहा है। आखिरकार बॉस को कुछ काम करते हुए देखकर खुशी हो रही है। नन्हे कुत्ते अब बड़े हो रहे हैं और झुंड के अपने इलाके को बढ़ाने की कोशिश में बॉस उन्हें जंगल के नए इलाके में ले जा रहा है। वो नजदीक के ही इलाके में ले गया है जहां शिकार के लिए कई जानवर मौजूद हैं। यहां बड़ी संख्या में चीतल हैं, क्योंकि यहां पानी और खुले घास के मैदान हैं। ये हिरनों के प्रजनन का मौसम है। वो एक दूसरे को आंक रहे हैं, धीमी रफ्तार से सदा हुआ प्रदर्शन, तिरछी नजरें मिलाते हुए। ऐसे वक्त में नर हिरन आसानी से शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान दूसरी ओर रहता है और वो अपनी सुरक्षा से बेखबर हो जाते हैं। लेकिन हिरनों की इतनी बड़ी संख्या से दूसरे खतरनाक शिकारी आकर्षित हो जाते हैं। केनाई का झुंड ये जानता है। आज वो पड़ोसी इलाके में काफी अंदर तक चले आए हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। ये घुसपैठ करने वाले कम उम्र और नौसिखिए हैं, इसलिए ये साहसी कारनामा जान के लिए खतरा बन सकता है। लंगूर की चेतावनी की आवाज से तेंदुआ चौकन्ना हो गया है। उसने नजदीक ही एक जानवर मारा है। तेंदुआ अपने मारे हुए शिकार को देखने पहुंचा है, लेकिन उसके पहले ही कुत्तों के झुंड की दावत शुरू हो गई है। कुत्ते जानते हैं कि उन्होंने जोखिम उठाया है, इसलिए वो पूरी तरह सावधान हैं। वैसे तेंदुए का आकार जंगली कुत्ते से 3 गुना बड़ा होता है, लेकिन पूरे झुंड को देखकर वो पीछे हट जाता है। बॉस आज के काम से बेहद खुश है। बिना मेहनत किए इतना कुछ मिल गया। उसने जो दांव चला था वो कामयाब रहा। मैं कह नहीं सकता कि केनाई और उसके झुंड के लिए ये सही है या नहीं। जंगल हरा भरा हो गया है और सभी जीव जंतुओं के लिए जिंदगी आसान हो गई है। मैंने इस झुंड पर पूरे दिन नजर रखी है। यूं तो कुत्ते तनाव रहित नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे नई समस्या की शुरुआत नजर आ रही है।
पिछले साल जन्मे केनाई के दोनों बेटों यानी जुड़वां भाइयों का कहीं कोई नामो निशान न पाने से मैं परेशान हूँ। वो तेजी से बड़े हो रहे हैं और आजकल थोड़ा अलग थलग नजर आ रहे हैं। वो झुंड को छोड़कर अक्सर अकेले ही कहीं और निकल जाते हैं। पहले कुछ मौकों पर तो ये दुस्साहस कुछ घंटों के लिए होता था। कभी कभी वो थोड़ी सी दूर निकल जाते हैं, कभी और आगे भी। प्रणय मिलन के लिए दूसरे झुंड की मादा की खोज में वो गंध के निशान छोड़ते जाते हैं और हर बार इलाके से बाहर निकलने पर अपनी खोज का दायरा बढ़ा देते हैं। पहले तो अकेले निकलने पर वो काफी घबराए हुए रहते थे, लेकिन इस बार वो काफी दूर निकल गए हैं अपने झुंड के इलाके से बाहर, और लगता है अपनी हरकतों पर उन्हें बहुत भरोसा भी है। अनजाने इलाकों में घुसपैठ तो उम्र के साथ अनुभव बढ़ाने का हिस्सा है, झुंड से पूरी तरह अलग होने से पहले का एक सहज अभ्यास है। करीब 3 किलोमीटर दूर केनाई का बाकी दल आराम कर रहा है। सिर्फ जुड़वां भाइयों की बहन चुकी ही अपने भाइयों की कमी महसूस कर रही है, और हाँ, दूसरी मादा छोटी भी। केनाई का व्यवहार सामान्य है, मानो किसी भी वक्त वो उसके पास आ जाएंगे। लेकिन लगता है कि दोनों भाई अपनी नई आजादी का पूरा आनंद उठा रहे हैं। अपने झुंड में उन्हें कोई मन मुताबिक साथी नहीं मिल पाती, क्योंकि सारी मादाएं उनकी रिश्तेदार हैं। उस पर दोनों युवा कुत्तों के झुंड का नेता बनने की संभावना भी कम है, क्योंकि ताकतवर तेज तर्रार मुखिया से उनका रिश्ता नहीं है। वो उन्हें वरिष्ठता क्रम में ऊपर बढ़ने नहीं देगा। इसके विपरीत, चूंकि दल का नेता उनका संबंधी नहीं है, इसलिए उनकी बहन चूकी के लिए दल में बने रहना फायदेमंद होगा, क्योंकि वो शायद किसी दिन अपनी माँ का स्थान ले सकती है। दोनों भाइयों के लिए जरूरी है कि वो अलग निकल जाएं और अपना एक अलग दल बनाएं। परिवार से दूर पूरा दिन बिताने का ये उनका पहला मौका है। केनाई की सुरक्षा से दूर उन्होंने ये सबसे लंबा वक्त बिताया है। लेकिन परिवार से उनका रिश्ता अब भी बहुत मजबूत है। वो अपने साथियों के पास लौट आना चाहते हैं। आज परिवार में लौटने पर सिर्फ चूकी और नन्हे बच्चों ने उनका स्वागत किया। दोनों भाई अपनी माँ को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें उनसे बेहतर जानती है। बॉस हमेशा की तरह उन्हें नजरअंदाज करता है। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये दोनों भाई अब तक शिकार में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। लगता है चंचल चूकी भाइयों को बहुत कुछ बताना चाहती है। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि भाइयों को झुंड को छोड़कर जाने में कितना वक्त और लगेगा। इन जंगलों में हिरण का शिकार करने वाले सिर्फ ये जंगली कुत्ते ही नहीं हैं। यहां रहने वाली बाघिन अपने इलाके की निशानदेही कर रही है। बारिश के मौसम में उसके लिए जरूरी है कि अपने इलाके पर दावा बनाने के लिए बार बार निशानदेही करे। बाघ तो बहुत कम है,
लेकिन मुझे लगता है कि जंगल के इस हिस्से में जहाँ शिकार के लिए इतने ज्यादा जानवर हैं, हर 10 वर्ग किलोमीटर में एक बाघिन होगी। ये भी एक कारण हो सकता है कि करीब के जंगली कुत्तों के झुंड इस इलाके पर अपना स्थायी दावा नहीं जमाते। और आज फिर से बॉस केनाई के दल को नए खतरनाक इलाके में ले जा रहा है। मुझे फिक्र हो रही है, झुंड उस जगह के बहुत नजदीक आ गया है जहां मैंने आज सुबह एक बाघिन को देखा था। शायद उन्हें बाघिन की गंध मिल गई है। उन्हें जल्द से जल्द इस इलाके में शिकार ढूंढकर रफ चक्कर हो जाना है। यहां इलाके पर कब्जा करने का मतलब है कि अन्य झुंडों से चौकन्ने रहना और साथ ही बाघों से सामना होने का बहुत ज्यादा खतरा है। आज वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ गए थे। अब यहां रुके रहने में समझदारी नहीं है। हिरन की चेतावनी भरी आवाज से बाघिन की उपस्थिति की पुष्टि हो गई। जब केनाई फिर से नजर आई तो शाम ढलने लगी थी। झुंड अब उस जगह से कम 5 किलोमीटर दूर है जहां बाघिन मौजूद थी। मुझे ये देखकर राहत मिली कि झुंड के सारे सदस्य साथ हैं और अपने इलाके की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत घबरा गए हैं। मैंने गौर किया कि वो एक दूसरे के बेहद नजदीक चल रहे हैं, शायद अभी भी डरे हुए हैं। बाघिन से सामना उनके होश उड़ाने के लिए काफी है और अपने इलाके से बाहर होने से डर और ज्यादा बढ़ गया है। अब वो अपनी मनपसंद आरामगाह में हैं, जहां वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो पूरी तरह तनाव रहित और खुश नजर आ रहे हैं। छोटी भी हमेशा की तरह पूरा आनंद ले रही है। वो पिछले 2 दिनों से अपने इलाके के बाहर नहीं गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि झुंड ने बेहतर जगह खोजने की कोशिश छोड़ दी है? अगली सुबह मैं झुंड का इरादा जानने निकल पड़ता हूं। मेरी इस तलाश के दौरान एक जंगली मुर्गे ने बाघ की मौजूदगी की चेतावनी दी। आखिरकार जब मुझे झुंड फिर से नजर आया तो देखा कि बॉस उनकी अगुवाई कर उन्हें नए इलाके में ले जा रहा है। मुझे उसके इस फैसले पर हैरानी हुई, क्योंकि हाल ही में उनका सामना बाघिन से हुआ था। केनाई, जिसने सारी जिंदगी बाघों के डर के साए में बिताई है, काफी सतर्क है।
अनजान इलाका और घबराई हुई माँ के कारण पूरा झुंड भी डरा हुआ है। किनाई को हवा में एक ताजा गंध आई है। झुंड ने बाघिन के बनाए गंध के निशान पहचान लिए हैं। कुत्तों की सूंघने की शक्ति जानवरों में बेहतरीन मानी जाती है। हिरन ने चेतावनी का संदेश दिया। यह साफ हो गया कि बाघ कहीं आसपास है। केनाई अब दोबारा कोई जोखिम नहीं उठा रही है और वापस मुड़ गई। आज के दिन की खोज यहीं पूरी हो गई है। अब वक्त है कि कहीं रुककर रात बिताई जाए। मैं हैरान रह गया जब मैंने अगले दिन झुंड को देखा, क्योंकि केनाई और उसका परिवार बिल्कुल अलग ही दिशा में निकल गया था। अब वो कुत्तों के एक दूसरे झुंड के इलाके में दूर तक निकल गए हैं। उन्होंने अपने पड़ोसियों की गंध तो पहचान ली होगी। बीमारी की वजह से इस पड़ोसी झुंड की संख्या पिछले साल बहुत कम हो गई थी। अब तो बहुत कम कुत्ते बचे हैं। इसी वजह से शायद बॉस ने उनके ही इलाके में उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की है। लेकिन गंध तो उन्हें कुछ और ही बता रही है। वो घबराए से हैं। लेकिन जरा रुकिए, ये इलाका तो इस झुंड का नहीं है। ये झुंड तो बहुत बड़ा है। एक अजीब इत्तेफाक से केनाई और उसके परिवार का सामना एक दूसरे झुंड से हो गया, जिसका इरादा भी यही इलाका हथियाने का है। दोनों झुंडों ने अपने पड़ोसी पर हमला करने के लिए एक ही दिन चुना है। ये तो जाहिर है कि सिर्फ 8 कुत्तों वाला केनाई का दल 18 बड़े कुत्तों और उनके बच्चों के सामने टिक नहीं पाएगा। नतीजा निकला अफरा तफरी। केनाई और उनका दल जान बचाकर भाग रहा है। वो हर दिशा में भाग रहे हैं। भगदड़ मच गई है। मैंने हर जगह उनकी तलाश की, लेकिन फिर उस दिन मैं उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाया और मुझे फिक्र हो रही है। सुबह हो गई और झुंड की खोज में मेरी तलाश जारी है। इन कुत्तों का इलाका करीब 70 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इसलिए उन्हें ढूंढ पाना आसान नहीं है। इतने लंबे अरसे के अपने अनुभव का इस्तेमाल कर मैं उन्हें हर जगह ढूंढ रहा हूं। दोपहर तक उनका पता नहीं चला। आखिरकार राहत मिली जब केनाई का दल फिर से नजर आया। लेकिन सिर्फ
दो ही कुत्ते हैं, एक तो बॉस है, दूसरा जुड़वा भाइयों में से एक। झुंड के लिए ये मुसीबत का वक्त है, पूरा परिवार बिखर गया है। ये दोनों जी जान से अपने दूसरे साथियों को ढूंढ रहे हैं, आवाजें लगाकर फिर जवाब का इंतजार करते हैं। पूरा दिन उन्हें ढूंढने के बावजूद न तो मैं न ही दोनों कुत्ते बाकी दल को ढूंढने में कामयाब हो पाए। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, मेरी बेचैनी और बेसब्री बढ़ती जा रही है। दो दिन और बीत गए हैं, मैं बेहद परेशान और बेचैन हो गया हूं। उन दोनों कुत्तों का भी पता नहीं चल रहा, और आखिरकार मेरी आशंका सही साबित हुई। मुझे एक मरा हुआ जंगली कुत्ता मिला। ये केनाई का साथी है बॉस, जो झुंड का मुखिया नर था। इस दर्दनाक हादसे से मैं दहल गया हूं, और मुझे डर है कि उसने नया इलाका ढूंढने के फैसले की भारी कीमत चुकाई है। लेकिन उसे किसने मारा? किसी दूसरे बड़े झुंड ने, शायद बाघिन ने, या फिर वो तेंदुआ जिम्मेदार है। लेकिन पिछले दो दिनों में इस इलाके में बड़े झुंड का कोई निशान नजर नहीं आया, और अगर ये तेंदुए की हरकत होती तो वो लाश को खींच कर ले जाता। यानी ये शायद बाघिन का शिकार हुआ है। और केनाई का क्या हुआ? क्या वो जिंदा भी है, या फिर अब कुछ बाकी नहीं है? मैं तो सिर्फ जी जान से तलाश जारी रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता।